कांग्रेस कोई भी अलग लड़ती, अगर उनके मन में ऐसा होता है कि हमें किसी को साथ लेके चलने की जरूरत नहीं है, तो इतने अगर ईगो में रहे होते तो अलग लड़ते। लेकिन 2014 में भी वो साफ लड़े जबकि उनकी पूर्ण बहुमत थी, 2019 में भी पूर्ण बहुमत थी, और ऐसा भी नहीं हुआ कि पूर्ण बहुमत आने के बाद बीजेपी ने एनडीए के दूसरे घटकों को बोल दिया कि बाय बाय, तोड़ लिया, नहीं वो नहीं। देखिए विश्वासघात कहाँ होता है, मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ ये विश्वास, एनडीए का जो गठबंधन है ये विश्वास का है, और विश्वासघात का गठबंधन कहाँ पे होता है? अरे मैं एग्जांपल देता हूँ, सब लोग 10 साल से देख रहे हैं, कोई आप पहली बार नहीं बता रहे, पिछली सरकार में क्या हुआ है और कितना गठबंधन के साथियों को इज्जत हुआ है, ये हम सब ने देखा है, ये अब आप सुनाने का नहीं है। अरे अरविंद सर, आगे की बात करिए। अरविंद सर देखिए, आप श्रेष्ठ हैं, आपकी बातें सही हैं, उम्र में भी श्रेष्ठ हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, यही इसी नीतीश कुमार को, इसी जेडीयू को क्या किया था, इसी शिवसेना को क्या किया, इसलिए वो सब अब मत कहिए। आप ये सुनिए, शिवसेना के उद्धव ठाकरे का क्या, उद्धव ठाकरे से गठबंधन कर रहे हैं, शिंदे से ही कर रहे हैं ना, और शिवसेना के साथ क्या हुआ कि अगर आप गठबंधन की किसी प्रिंसिपल को, तो आप मुझे एक एग्जांपल बताइए। ये बिहार में लालू यादव ने बोला अब मैं फिट होके आ गया हूँ, फिट कर दूंगा। मीसा भारती ने मटन बना के खिलाया राहुल गांधी को, और उसी कांग्रेस ने बिहार में साफ कर दिया। जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का काफिला अब राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहा है। अफसर बिल्कुल, पीएम का काफिला निकल चुका है यहाँ से, और ये